हाउसिंग बोर्ड वास्की विद्यालय के समीप एक गाय के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की सूचना बजरंग दल के जिला सहसंयोजक दीपक यादव को मिली। तत्पश्चात गौ माता के उपचार को लेकर गौ सेवकों की टीम मौके पर पहुंची। गौ सेवक दीपक यादव द्वारा अपने पास मौजूद संसाधनों से गौ माता का उपचार आरंभ किया गया। सुबह से ही गाय गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी शाम को प्राप्त होने तक गौ माता की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। दीपक यादव ने बताया कि गौ माता को बचाने पूरी कोशिश की गई है, लेकिन हालत गंभीर होने से गौ माता के बचने की उम्मीद कम है।